टुडेज़ टॉपिक इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। पी इज़ इक्वल टू एम वी, हमने पढ़ा था। पी इज़ इक्वल टू एम इंटू वी, दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इसका कंजर्वेशन क्या रहेगा आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड और वी से दैट एक्सटर्नल फोर्स, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज। इसकी जगह आपको ये एक आइसोलेटेड सिस्टम भी लेके चल सकते हो। जब आइसोलेटेड सिस्टम लेके चलोगे, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करेंगे, तो उसका लीनियर मोमेंटम वहाँ से सिस्टम का क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। अब हम इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या लेके चल रखे हैं हम, द मोशन ऑफ रॉकेट इज़ ओबेड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अब इसे समझते हैं कि मोशन ऑफ रॉकेट कैसे ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो रॉकेट्स के अंदर क्या रहेगा, जो फ्यूल होता है वो बर्नड होता है कंबशन चैम्बर में, और किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में। जब फ्यूल बर्नड होगा तो कुछ ना कुछ गैसेज आपके निकलेंगी, एक्सकेप करेंगी वहाँ से, और फ्यूल बर्नड होने के बाद गैसेज आपके क्या रहेंगी, हॉट रहेंगी। तो हॉट और कंप्रेस्ड गैसेज एक्सकेप करेंगी, एक नैरो ओपनिंग होती है, ये रहे मैं समझाऊंगी कि ये नैरो ओपनिंग से कहाँ से निकलेगी। नैरो ओपनिंग रहेगी जहाँ से उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से क्या रहेगा, जो एक्सकेपिंग गैसेस रहेंगी वो लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम गेन कर लेंगे, और इसकी वजह से ही इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम मिलता रहेगा रॉकेट को। तो वहाँ से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लेन हो जाएगा। अब ये देखो, ये कोई हमने रॉकेट बना लिया, यहाँ ये नैरो ओपनिंग बना रखी है, जिसे जो नैरो ओपनिंग रहेगी इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, एग्जॉस्ट नोजल बोलते हैं इसको, जहाँ से हॉट और कंप्रेस्ड गैसेज आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी और उनकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या रहेंगी, उनका कोई ना कोई बैकवर्ड मोमेंटम लगता रहेगा, और ये बैकवर्ड मोमेंटम किसे बैलेंस करेगा, अगर ये नीचे की साइड मोमेंटम दे रहा है, इट मीन्स आपका जो रॉकेट की अदर बॉडी पार्ट्स रहेंगी वो कहाँ जाएंगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। तो बैकवर्ड मोमेंटम की वजह से जो आपका इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम आया है रॉकेट में, यहीं से आपका क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ जाएगा। सेकंड, ये एग्जांपल आप अपना 9th क्लास में पढ़ चुके हो, व्हेन अ मैन जंप आउट ऑफ अ बोट टू द शोर, आप ये पढ़ चुके हो। इसमें क्या होता है, बोट को पुश किया जाता है स्लाइटली अवे फ्रॉम द शोर। इसका मतलब क्या है कि जितना वो आदमी जंप किया उस बोट पे शोर के साइड, उसने कुछ ना कुछ मोमेंटम एग्जर्ट किया, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोमेंटम आएगा उस केस में। तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोमेंटम आपका किन बेसिस पे एक्सप्लेन होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि मोमेंटम क्या रहेगा बोट पे, इक्वल एंड अपोजिट टू द मैन। मैन आगे की साइड कूदा है, उतना ही फॉरवर्ड मोमेंटम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता रहेगा। तो यहाँ से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आ जाएगा, और वो कहाँ से निकला है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैन को यहाँ कूदना था तो उसने उतना ही बैकवर्ड मोमेंटम भी लगाया उस बोट पे, तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मोमेंटम की वजह से क्या आ जाएगा, आपका एक बैलेंस बन जाएगा, जिसकी वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलेंगे हम उसको।